कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अजमेर अभी तक रेड जोन में है, जिसके चलते यहां बसों के संचालन में देरी होगी। अजमेर जोन के नोडल प्रभारी अनिल पारीख ने यह बताया कि राज्य सरकार रोडवेज बसों के संचालन की कवायद में जुटी है, लेकिन अजमेर के तीनों डेपो की बसें फिलहाल नहीं चल पाएंगी। इस दौरान पारीख ने उम्मीद जताई है कि अजमेर भी जल्द ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल होगा, जिससे जल्द ही यात्रियों को रोडवेज बसों में यात्रा का लाभ मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि अजमेर और CBS को रोजाना 30 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। इस लिहाज से तीनों डिपो को अब तक 18 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दो महीने से रोडवेज का संचालन बंद है, तो रोडवेज के अजमेर में तीन डिपो है, तीनों डिपो में 30 लाख रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है वाहनों के संचालन नहीं होने से। फिर भी हमारे मुख्यालय और राज्य सरकार के आदेश से जो प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चल रही है उनको हम चला रहे हैं। रेलवे स्टेशन भी छोड़ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से लाके उनको गंतव्य तक छोड़ रहे हैं, और अभी रोडवेज प्रवासी मजदूरों के और कोरोना के जो इधर उधर जो फंसे हुए लोग हैं उनकी सेवा।